चले आपका अकाउंट ओपन हो गया, सही है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि प्रोडक्ट्स जो है ना हम क्या बेचें, मतलब हम क्या सेल करें, सही है ना। तो मैं मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स पे जाएं। प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट क्या है? प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट जो होती है बेसिकली आपका अपना नाम और अपना ब्रांड होता है। तो उसके लिए आपको ये करना होता है कि जैसे आप यूके के अंदर फर्ज करें कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, सही है ना, एक्स वाई जेड कोई ब्रांड का नाम है, तो आप सबसे पहले उस ब्रांड को ब्रांड रजिस्ट्री में चेक कर लें कि वो ब्रांड अवेलेबल है, सही है ना। तो वो फिर आप उस ब्रांड के लिए आप जो है ना अप्लाई कर दें उस नाम के लिए, सही है ना। और वो इन पैरेलल अबाउट 6 to 8 months का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगा, वो पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद 99% चांस होता है कि वो ब्रांड नेम आपको मिल जाए, क्योंकि वो पब्लिश करते ही नहीं है कि अनलेस उसमें कोई मसला हो, वो आपको बता देते हैं पहले ही कि वंस इज पब्लिश, तो 99% मैंने देखा आप सक्सेस हो जाती है, आपको वो ब्रांड रजिस्टर हो जाता है, तो वो नाम आपको मिल गया। अब इस ड्यूरिंग 6 months का जो आपको टाइम है ना, इसमें आप प्रोडक्ट सोर्सिंग करें, इसमें आप उसका नाम, उसकी पैकेजिंग, उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सारी की सारी जो है ना, आपके पास काफी इनफ टाइम है 6 months का, जिसमें आप प्रोडक्ट सोर्स भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट को फिर जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं, जब आपके पास ब्रांड भी आ जाता है, तो आप अमेजोन के ऊपर डायरेक्ट जो है ना उसको भेज सकते हैं FBA पे और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये सवाल होता है कि भाई प्रोडक्ट कौन सी हम सेलेक्ट करें, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मेरी नजर में, क्योंकि अमेजोन के ऊपर ना आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इनिशियल जो है वो बजट आपका सबसे बड़ा जो हेड है प्रोडक्ट लॉन्चिंग में, वो एडवर्टाइजिंग है, सही है ना। तो उसको देखते हुए आपने सोचना है कि मैं, मेरी जो प्रोडक्ट प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप $2 की अगर प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, सही है ना, तो मेरी हिसाब से वो फिजिबल नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है क्योंकि अमेजोन पर क्लिक जो है ना वो चार्ज करता है, मतलब अगर कोई बंदा आपके एड के ऊपर जाके क्लिक करता है तो वो भले खरीदे या ना खरीदे वो चार्ज हो जाता है, वो चार्ज बिटवीन 50 cents to $2, $3, $4 वो बिडिंग के ऊपर, जस्ट लाइक गूगल के अंदर जो कीवर्ड के बिडिंग होती है। तो अगर उसमें आप लेस देन $15 की कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो वो आपको फिजिबल नहीं आ पाती, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग और उसका एक कॉस्ट जो रेशियो है, एक कॉस्ट बेसिकली क्या है कि कितना आप स्पेंड कर रहे हैं और कितने की सेल आ रही है, तो आपकी स्पेंडिंग कम से कम होनी चाहिए और सेल ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो एवरेज एक कॉस्ट इज अबाउट 20 to 25% का एक कॉस्ट अगर आपको मिल रहा है इज बेस्ट, सही है ना, वो बहुत अच्छा एक कॉस्ट है। मगर आप जो अगर छोटी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो स्पेंड आप ज्यादा कर रहे होंगे, सेल क्योंकि उस प्रोडक्ट की कम है, उसकी कॉस्ट कम है, उसको आपको बहुत ज्यादा बेचना पड़ेगा, तो फिर जाके वो एक कॉस्ट लेवल आएगा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपना थ्रेशोल्ड रखेंगे, $15 जो है ना मेरी मिनिमम सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले ये हो गई। अच्छा, कैटेगरी में जो है हम बाद में जाएंगे, उससे पहले हम बात करते हैं साइज, क्योंकि साइज ऑफ द प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बहुत ज्यादा बल्की आइटम है ना, तो उसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हाई है, अमेजोन की स्टोरेज की कॉस्ट हाई है, तो वो भी फिजिबल नहीं हो पाता। तो ये है सबसे। फिर नंबर जो तीसरी चीज आती है वो है प्रोडक्ट के बारे में आप कितना जानते हैं, उसकी मार्केट क्या है, सही है ना। आप जो भी एरिया में जा रहे हैं उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए सबसे पहले आपको। अगर उस प्रोडक्ट का आपको ही नहीं पता तो आप कैसे सेल करेंगे उसको ना। तो उसकी आप पहले उसकी देखेंगे मार्केट, जैसे अगर मोबाइल फोन एसेसरीज हैं या मोबाइल फोन से रिलेटेड पावर बैंक्स हैं या मोबाइल फोन से रिलेटेड कोई चीज है, तो मोबाइल फोन जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, सही है ना, हर कोई बंदा यूज करता है। फिर उसमें आप और नैरो कर सकते हैं कि कौन से ब्रांड, जैसे एप्पल या सैमसंग या वाई या कौन सा ब्रांड जो है मार्केट में जो है ना वो सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो उसकी स्पेसिफिक आप एसेसरीज में जा सकते हैं। या टेक्सटाइल के हवाले से आप देख सकते हैं कि यार मैं टॉवल्स बेच लूं, मैं बेडशीट बेच लूं, या इसमें क्या चीज, अगर कोई ऑलरेडी बेच भी रहा है तो क्या मैं एडिशन कर लूं, कैसे मैं इसको लॉन्च कर सकता हूं उनसे बेहतर, उसमें फिर बहुत सारी चीजें हैं सिलेक्शन की। फिर तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है उस प्रोडक्ट के अंदर 2 to 4 कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए
जो कि लूज मैच पे पूरी दुनिया में कम से कम 1 लाख लोग देख रहे हो, वो गूगल पे आप देखें जाके। क्योंकि अगर उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो उसके चांसेस है बिकने, क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम है मार्केट में, उस प्रोडक्ट उस चीज की पॉपुलरिटी है मार्केट, सही है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लोग नहीं समझ पाते कि, तो ये आप देखें कि उस वो जो आप प्रोडक्ट जा रहे हैं उसके उससे रिलेटेड चीजें कितने लोग दुनिया में सर्च करते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि आपके पास ऐसी प्रोडक्ट ना सेलेक्ट कर लें जो कि ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर लोगों के रिव्यूज डेवलप है। जैसे 3,000-4,000 रिव्यू वाली प्रोडक्ट को कम्पीट करने में प्रॉब्लम यह है कि जब आप इसको स्टार्ट करेंगे ना तो आपकी एक जर्नी स्टार्ट होगी, आपका क्या पता 20वें पेज पे आए प्रोडक्ट, अब आपने उसको 20वें पेज से लेके 1st पेज पे लेके जाना है, मतलब रैंकिंग डेवलप करनी है। तो वो रैंकिंग के डेवलप करने के लिए आपकी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है, सही है, आपने सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है बेचनी है पर डे या गिव अवे करनी है, तो उसके लिए क्या पता आपका रिव्यू टू सेल रेशो इतना हाई हो कि आप कभी भी रैंक नहीं कर पाए, क्योंकि वो इतनी ऑलरेडी इतनी सैचुरेटेड है, जो लोग बेचने वाले हैं वो ऑलरेडी इतना हाई रिव्यू लेके बैठे हुए हैं और इतने ज्यादा हैं, जैसे 10-15 सेलर उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी हैं जिनके रिव्यू 1,000 से ज्यादा हैं, तो वो तो नो है, क्लियर नो, उसमें आप नहीं जा सकते। हाँ ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं उस प्रोडक्ट में बेचने में जिनके फर्स्ट करें 1,000 से रिव्यू प्लस है, बट स्टिल नीचे वाले जो लोग हैं वो 100 या 150 रिव्यू या 50 रिव्यू, इसमें पोटेंशियल बन सकता है। तो ये थोड़ा सा एक साइंस है इसको समझने की कि मैं किस एरिया में जा रहा हूँ। फिर उसकी एक कॉस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो उसकी कॉस्ट है वो ये है कि कितना पैसा मेरा खर्च होगा पहले पेज तक जाने के लिए। तो एक जनरल जो एवरेज खर्चा है ना एक नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, जिसके अच्छे कीवर्ड्स हों और मार्केट में उसकी डिमांड हो, तो एटलीस्ट आप $10,000-$15,000 जो है ना आपके जहन में होना चाहिए उसको लॉन्च करने के लिए। और उसके बाद फिर तीसरा, ये आप प्रोडक्ट जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स शुरू होते हैं उसके बाद आप सप्लायर आइडेंटिफाई करते हैं, ये प्रोडक्ट मैं सोर्स कहाँ से करूंगा, वाय ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से सोर्स करनी है, ये प्रोडक्ट चाइना से सोर्स करनी है, या ये प्रोडक्ट दुनिया में कहाँ से सोर्स करनी है, सही है ना। उसके बाद सोर्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपने पहली जो चीज देखनी है कि आप लो एमओक्यू के ऊपर एक डील बनाए सप्लायर्स। आप पहले दिन नहीं जाके उसको बोलेंगे मैं 1,000 पीस चाहिए, मुझे 2,000 पीस चाहिए, आप कोशिश करेंगे शुरू में पैसा आप 250 पीस पे उससे बोलें कि चलो मैं तुम्हें ये प्राइस दे देता हूँ, मैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव ले लेता हूँ, मगर तुम मुझे ब्रांडिंग के साथ ना मुझे 200 पीस बना दो, सही है ना, जिसको जिसमें फायदा ये होगा आपकी शुरू में आपकी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो सिर्फ 150 या 200 पीस पे हो रही है, मगर आपको उसका आइडिया हो जाएगा बेचने पे यार ये प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं है, रादर देन कि आप पहले दिन ही बहुत हाई इन्वेस्टमेंट कर दो और वो प्रोडक्ट चले नहीं और आप फेल हो जाओ। क्योंकि प्रोडक्ट चलने के लिए आप सर्टेन टूल्स और सर्टेन चीजें तो यूज कर सकते हो, मगर जब तक आप मार्केट में आओगे नहीं ना वो स्टडी आपको पता नहीं लगेगी, वो स्टडी आपको पता जब ही लगती है कि जब आप मार्केट में आते हो और लॉन्च करते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि ये डील बनाए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, फिर उससे आज ही डील कर लें कि यार ये देखो लॉन्चिंग में तो हम आपसे 150 पीस ले रहे हैं, इसके पैसे हम इतनी हमारी डील है, मगर कल को जब हमारा प्रोडक्ट चलेगा तो हमारी ये प्राइस होगी। तो आपके पास सारी प्राइसिंग जो है ना लिस्ट डाउन होनी चाहिए और फिर आपको सारी फीस का आइडिया होना चाहिए कि अमेजोन के ऊपर मैंने कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ, क्या उसकी मैं जो है ना अमेजोन को रेफरल फीस दे रहा हूँ, मेरी शॉप की क्या फीस है, एडवर्टाइजिंग का मेरा क्या बजट है। अच्छा एडवर्टाइजिंग का बजट लोग शुरू में जो है ना वो प्रोडक्ट में ऐड कर लेते हैं, मैं उसको कहता हूँ कि आप उसको शुरू में नहीं डालें, एज अ प्रोडक्ट के अंदर आप साइट में उसको प्लेस कर दें। आप जैसे आपने $4,000 खर्च किया एडवर्टाइजिंग, तो वो $4,000 आपको पहले लॉन्च में शायद वापस ना मिले, सही है, तो वो 4,000 आपने एक हेड है जो पैरेलल डाल लिया और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट आप प्रॉफिटेबल हो गए जब जाके तो उस प्रॉफिट में से उस $4,000 को निकालने की कोशिश करें। अदरवाइज अगर आप $4,000 पहले ही ऐड कर लोगे तो आप
जो है ना वो प्रोडक्ट सेलेक्ट ही नहीं करोगे, आप बोलोगे यार ये तो बहुत मुश्किल है, इसको तो बेचना बहुत मुश्किल है। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि पहले ही उस एडवर्टाइजिंग का जो इनिशियल हेड होता है पहले पेज पे रैंक करने के लिए, वो पहले ही जो डील जो वो वॉल्यूम जो बेचते हैं उसी में ऐड करने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता नहीं है, आपको आस्ता आस्ता अपनी एडवर्टाइजिंग की जो फीस है ना वो रिकवर करनी होती है फॉर इन अ लॉन्ग जर्नी। तो ये एक चीज है, और उसके अलावा बस ये जो है ना इम्पोर्टेंट जो चीज है वो प्रॉफिट आपको उसी दिन हो जाता है जिस दिन आप सप्लायर से खरीदते हैं, ये ना जो से आपकी बाइंग प्राइस है वही प्रॉफिट है। और आपको बाइंग में सबसे ज्यादा केयरफुल होना है। फिर उसके बाद ये देखना होता है आपको कि जो प्रोडक्ट आप अमेजोन पे लेके जा रहे हैं वो जो आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं, सेलेक्ट करने से पहले ये भी देख लें कि वो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में ना हो। अमेजोन के अंदर पूरी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, चार्जिंग या कुछ इस तरह की चीज, तो उसके रेलिवेंट आपके स्टैंडर्ड्स पास होने चाहिए। वो सी मिनिमम सी रिक्वायरमेंट है जैसे यूके में, इसी तरह एफसीसी की रिक्वायरमेंट है अमेरिका में। तो वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, वो अमेजोन कभी भी मांग सकता है कंप्लेन होने पे। और अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई राइट टाइम पे तो वो फिर आपके प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन जो है हटा देगा, सही है ना। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट को लॉन्च। इस पर हम डिटेल में भी बात करेंगे, मैं बहुत सारी चीजें अभी शेयर नहीं कर सकता कि क्योंकि प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर हम पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं, सही है ना। उसमें बहुत सारी चीजें, तो मैंने एक जनरली ओवरव्यू दे दिया।